नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करणजीत कौर और जिले रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ढाबा स्टाइल पंजाबी राजमा की सब्जी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए भी और सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने दो तरह के राजमा जो है वो इस्तेमाल किए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉकडाउन में मेरे पास इतने ही राजमा थे इसलिए मैं इनसे ही काम चला रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिए बड़े साइज़ के राजमा 1 कप और उसके साथ ही जो है छोटे साइज़ के राजमा लिए हैं वो भी 1 कप। तो दोनों राजमा को मैंने रात भर पानी में जो है वो सोक कर लिया है, इनका पानी ड्रेन कर लिया है और आप किसी भी तरह की वैरायटी जो है आपके पास अवेलेबल हो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह मिक्स करके भी काम चला सकते हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए 2 टमाटर मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए, टमाटर हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है इसमें, और प्याज 1 मीडियम बारीक कटा हुआ। और पंजाबी खाने में तीखापन होता है इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 तीखी हरी मिर्च, वो भी बारीक कटी हुई। और इसके साथ ही मुझे मैंने लिया है 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और थोड़ी रंगत के लिए और स्पाइसीनेस के लिए मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो मैं ले रही हूँ सिर्फ 1/2 टीस्पून। आप इसमें जो है वो कम या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 धनिया पाउडर, मैं हमेशा ज़्यादा पसंद करती हूँ इसलिए मैंने यहाँ 2 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर लिया है, गाढ़ापन भी आ जाता है इससे दालों में। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सबका अपना टेस्ट होता है तो उस हिसाब से जो है आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, जनरली इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा। और इसके साथ ही कसूरी मेथी की अच्छी फ्रेग्रेंस अगर आप चाहते हैं तो उसको तवे पर हल्का सा रोस्ट करें और उसको क्रश कर लें और मोटी जो डंठल होते हैं वो इसके निकाल दें तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है आपके खाने को। और इसी के साथ 1 टीस्पून जो है वो हल्दी और 1 पिंच ऑफ जो है हींग भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 कप पानी लेना है, 2 कप राजमा है, जस्ट डबल, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ग्रेवी भी हम इसी पानी से बनाएंगे क्योंकि हमारे राजमा जो है ऑलरेडी जितना पानी सोक करना था वो कर चुके हैं, तो इसको जो है हम ऐड कर देंगे पानी के अंदर। पानी का और राजमा का रेशियो आप जो है हमेशा जो भी चीज़ आप सोक करके रखते हैं उसका ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये हो गया है हमारा, इसे बंद करके हमें पकाना है कम से कम 8 से 10 विसल तक। अगर आपके राजमा बड़े साइज़ के हैं आपको ज़्यादा विसल भी लगवानी पड़ सकती है, सॉफ्ट होने तक बिल्कुल आपको पकाना है। तो लीजिए हमारे राजमा जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो ये गया हमारा ऑयल और जैसे ही ऑयल हल्का गर्म होता है, ध्यान रखिए कभी भी धुआं नहीं निकलना चाहिए ऑयल में से, तो वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो इसमें जाएगा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, उसी के साथ ही 2 टीस्पून जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ ही हरी मिर्च, इनको हल्का भून लेना है, पूरी तरह से नहीं भूनना है। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे इसमें हमारा 1 मीडियम प्याज बारीक कटा हुआ और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक जो है हमें पकाना है। और जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, पक जाते हैं, तो उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें हमारे फाइनली चॉप्ड किए हुए टमाटर। व्यूअर्स अगर आप गाढ़ी ग्रेवी चाहते हैं तो आप लहसुन अदरक हरी मिर्च टमाटर और प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गए हमारे टमाटर,
अब इनको भी हमें अच्छे तरीके से जो है वो पका लेना है। हमारे टमाटर डन हो चुके हैं, अब इसमें जाएंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं धनिया पाउडर, हल्दी, उसके साथ ही जाएंगी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से रंगत अच्छी आती है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और उसको इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर एक चुटकी हींग, ज़्यादा ऐड ना करें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही मसाले इसमें एकसार हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इसमें हमें ऐड करना है हमारे उबले हुए राजमा। और व्यूअर्स ध्यान रखें, आपको राजमा जिस पानी में आपने उसको बॉयल किया है उसी के साथ ही ऐड करना है, उसका पानी जो है वो नहीं निकालना है। तो उससे क्या है, इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। तो इसे कर देना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स, और ढक करके इसको पकाना है 5 से 10 मिनट तक के लिए, या फिर आप जैसे डिज़ायर्ड थिकनेस चाहते हैं। तो देखिए, बीच में मैंने 5 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया, तो ये काफ़ी ग्रेवी सेट हो चुकी है। तो इसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून नमक, और उसके साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाला और हमारी कसूरी मेथी अच्छे से फ्लेवर के लिए। इसे कर देना है अच्छे से मिक्स, और फिर से 2 से 3 बॉयल आने तक इसको आपको पकाना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे तरीके से सेट हो जाएं, मिल जाएं। तो लीजिए, हमारे राजमा जो है वो रेडी है। इसे नान, चपाती, चावल के साथ आप इंजॉय करें। तो व्यूअर्स, रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी।